के बेजोई में अज्ञात कारणों से कार के निजी गैराज में लगी भीषण आग। आग में चार महंगी गाड़ियां जलकर राख। मौके पर मची अफरा तफरी। आसपास के घरों को किया गया खाली। सैकड़ों लोग सड़कों पर। सिलेंडर फटने की भी जानकारी। कई अन्य सिलेंडर गैराज में रखे होने की भी जानकारी। मौके पर स्थानीय लोग और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश। बेजोई थाना क्षेत्र के टंकी मोहल्ले का मामला। ये लगभग 5:16 पर, 5:16 पर आपकी सूचना हमें मिली और लगभग 5:45 के करीब में 40 मिनट पर लगभग पहुंच गए वहाँ पर। और वहाँ पर जाके देखा तो नगर पालिका बैजोई के सामने एक अनुज कुमार हैं, वो उनका स्वयं की अपनी तीन गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्च्यूनर और एक मारुति वैन। ये तीनों गाड़ी पूरी तरीके से जल गई। गैराज में कुछ और सामान भी था, कपड़े लत्ते वगैरह घरेलू सामान भी था। पीछे की साइड में कुछ सिलाई उलाई का काम भी करते थे, तो नए कपड़े भी थे। और ये आग जो है बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। हमारी फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने इस आग को बुझाया। इस आग में कोई जनहानि कोई नहीं हुई है। सभी जो आसपास के आदमी थे और जो उसके मकान के ऊपर गैराज के दूसरी साइड में रहते थे, सबको सुरक्षित निकाल दिया गया। हमारी फायर यूनिट ने बहुत मेहनत से ये आग बुझाई है। किसी भी तरीके का जो हमारे पहुंचने से पहले जो ये मारुतियाँ वगैरह ये जल गई थी, वही जली जो हमारे जाने के बाद में हमने बहुत तत्परता से कार्य किया हमारी यूनिट ने और आपको पूर्ण तरीके से बुझाया। इससे मालिक भी और आसपास की जनता ने भी हम लोगों को फायर यूनिट की बहुत सराहना की कि आप लोग बहुत जल्दी आए और आपने बहुत बड़ी हानि होने से बचा लिया। आसपास के क्षेत्रों में रिहायशी क्षेत्र था, उसमें सब में और नुकसान होने की उम्मीद थी, लेकिन ये सब फायर यूनिट की मेहनत की वजह से और ये हमने सब पूर्ण रूप से इसको कार्य को सफलतापूर्वक किया।